स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले डोडा जिले के असर में जंगलों में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कैप्टन बलिदान हो गए। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया, जबकि अन्य की तलाश लगातार जारी है। सेना ने एक आतंकी के मरने जाने और उसका शव बरामद करने की पुष्टि की है। मुठभेड़ में एक नागरिक भी घायल हो गया है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से एक अमेरिकन M4 कार्बन और एक AK-47 राइफल और खून से सने चार बैग और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद की है। सूत्रों का मानना है कि ये सभी बैग मारे गए आतंकवादियों के हैं। फिलहाल सुरक्षा बलों ने इलाका घेर लिया है, तलाशी अभियान लगातार जारी है। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार शाम सुरक्षा बलों को सूचना मिली कि चार आतंकियों का समूह उधमपुर जिले के पटनी टॉप के पास एक जंगल में घुस आया है। सुरक्षा बलों का शाम 6 बजे आतंकियों से आमना सामना हुआ। करीब आधे घंटे तक दोनों पक्षों के बीच रुक रुक कर गोलाबारी होती रही। इसके बाद ही आतंकी डोडा जिले के असर के जंगलों की ओर भाग निकले। सुरक्षा बल लगातार उनका पीछा करते रहे और रात भर की घेराबंदी के बाद बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलाबारी हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों की टीम का नेतृत्व कर रहे सेना के 48 राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टन दीपक सिंह के सिर में गोली लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वो बलिदान हो गए। जम्मू संभाग में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आनंद जैन ने बुधवार दोपहर बताया कि इलाके में अभियान लगातार जारी है। बलिदानी कैप्टन दीपक, जिनकी उम्र 25 वर्षीय है, वो देहरादून के कुआला क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनके पिता महेश सिंह उत्तराखंड पुलिस से इसी साल अप्रैल में रिटायर हुए। दो बहनों में दीपक अकेले भाई हैं। उनके माता पिता अभी बड़ी बहन के पास केरल गए हैं। 13 जून 2020 को सेना में कमीशन पाने वाले कैप्टन दीपक 48 राष्ट्रीय राइफल्स में सिग्नल अधिकारी हैं। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने बलिदानी वीर सपूत कैप्टन दीपक को नमन किया। कैप्टन दीपक छोटे थे तब उनके पिता देहरादून पुलिस लाइंस में आकर रहने लगे। वो हमेशा पुलिस की परेड देखा करते थे। यही से उन्हें फोर्स में भर्ती होने का निर्णय लिया और इस प्रेरणा का नतीजा रहा कि वो 2020 में IMA के पास आउट हुए। सेना की व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर पोस्ट में कैप्टन दीपक सिंह के शोक संतप्त में परिवार के प्रति अपनी गंभीर संवेदना व्यक्त की और लिखा कि कोर के सभी रैंक के जवान कैप्टन के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं। जम्मू संभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आनंद जैन ने दोपहर करीब 2 बजे संवाददाताओं को बताया कि इलाके में अभियान अभी भी जारी है। उन्होंने सैन्य अधिकारी के बलिदान पर गहरा शोक जताया और बोला कि बल शोक संपन्न परिवार के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ। 10 अगस्त को अनंतनाग में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलाबारी के दौरान 2 सैनिक बलिदान हुए थे और एक नागरिक भी मारा गया था। हाल में महीनों में जम्मू संभाग में आतंकी हमलों की वृद्धि हो गई है, जिसमें कठुआ में सेना में काफिले पर हमला और डोडा और उधमपुर में झड़प शामिल हैं। जुलाई में गृह मंत्री ने लोकसभा में बताया था कि साल 21 जुलाई तक 11 आतंकी घटनाएं और 24 आतंकवाद विरोधी अभियानों को नागरिक और सुरक्षा कर्मियों सहित 28 लोग मारे गए। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वेल इंडिया।